अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, ये हमारे महाप्रसिद्ध कवि वाजपेयी जी ने जब कहा था तो आदरणीय अमित शाह जी पॉलिटिक्स राजनीति में अपना जीवन का योगदान शुरू कर रहे थे। और हमारे ये अमित भाई ऊर्जावान, फुल ऑफ हाई एनर्जी ऊर्जावान, अनेक कमल खिलाए हैं, खिल आए हैं, 2800 प्रांतों में कमल खिले हैं। आज आप यहां आए, आप आए, उसका तहे दिल से धन्यवाद है। टाइम्स नाउ समिट यानी शिखर, समिट यानी शिखर, आप सभी का स्वागत है। आपसे मिलकर आपकी अटलता का ज्ञान हुआ और ये अनुभव आभास हुआ कि सफलता एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर मिलेगी। वो दिन आज है, वो समय अभी है। दैट टाइम इज नाउ, टाइम्स नाउ। आज प्रत्येक भारतवासी भारत की प्रतिभा, प्रभाव, प्रतिबद्धता और भारत के श्रम परिश्रम का प्रमाण है, जो कि अपना जीवन उत्साह, उमंग और उल्लास से जीना सीख रहा है। जब से मोदी जी ने ये अनुप्रास के शब्द विक्रांत के लॉन्च में कहे थे तो ये देश भर में अनुप्रास गूंज रहा है। आज ये संकल्प है कि टाइम्स नाउ, आज का समय उत्सव, उमंग, उल्लास और ऊंचे संकल्प से आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब मिलकर अमित भाई की अनेक सफलताओं पर विचार करें। ये एहसास होगा कि अमित भाई ने गृह मंत्री होने के नाते भारत को एक गृह, घर, घर की तरह संभाला है। एक आइडियल परिवार में सबकी संभाल होती है, सब होते हैं वहां पर, बच्चे, बूढ़े, ना कमाने वाले और कुछ ही कमाने वाले भी होते हैं, लेकिन सबकी संभाल होती है। ये आइडियल परिवार है, ये आइडियल देश की निशानी है। अमित भाई हमारे गृह में शांति से, अनेकांतवाद से, जो जैन धर्म का केंद्र बिंदु है, अनेकांतवाद, हर वाद सही है, हरेक का दृष्टिकोण है, हरेक कोण सही है, ये जैन धर्म के नॉन वायलेंस, अहिंसा का ये अधिष्ठान है कि हरेक सही है, हरेक की एक जगह है। तो एक परिवार में, एक देश में, पॉलिटिक्स में सभी का कोण होता है। घर में भी एक समर्थन परिवारवाद का, एक उसका खंडन, एक राष्ट्रवाद का, एक उसका खंडन, कोई समवाद का और कोई विदंडवाद, सभी पेश होता है। और यही फिर भी ये बातचीत होते हुए परिवार या देश संपन्न होता रहता है, क्योंकि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो फ्री स्पीच है। हर जगह, हर भाषा, हर व्यू पॉइंट अनेकांतवाद इसका अधिष्ठान है।
जिस तरह अखंड भारत की सीमा बाली से लेके अफगानिस्तान तक थी, बाली आप जाओगे, मैं गया हूँ, होटल में पूछना यहाँ कौन सी जगह मैं देख के आऊं, तो वो आपको मशहूर मंदिरों में ही भेजेंगे। वहां पे हर देवी देवता के मंदिर हैं, और क्योंकि उनकी नाक नक्श हमारे से थोड़ी फर्क है, तो वहां देवी देवता उनके नाक नक्श और कई छोटी छोटी रीति में फर्क है हमारे रीतियों से, लेकिन पूजा और वही देवी देवता हैं, अनोखी बात है। और अफगानिस्तान के तो आप सभी जानते हैं, वहां बामियान बुद्धा की कैसे स्टैचूज थी। तो हमारा देश का जो अखंड भारत था, जो ऐतिहासिक हो गया था, अब वो नए रूप में, मैं आपसे विनती करता हूं कि एक महा अखंड भारत का निर्माण आपके और प्रधानमंत्री के लीडरशिप नेतृत्व में जरूर होगा। विदेश जब जाते हैं, आप भी 200 साल से सब जा रहे हैं, तो कॉलेजेस में, मंदिरों में, घर घर में हिंदुस्तान का संस्कृति यानी कल्चर, हमारे शास्त्र की कोर्सेज, हमारे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भोजन, आयुर्वेदिक का भोजन के कोर्सेज निरंतर चलते रहते हैं, और अध्यात्म की चर्चा बढ़ती जा रही है। गीता, अष्टावकर, योग वशिष्ठ, पातंजलि सूत्र, ये सब पढ़ाए जा रहे हैं सब कॉलेजेस में। ये मैं देख रहा हूं कि ये बढ़ता जा रहा है। ये हमारा प्रभाव महा अखंड भारत का कल्चर फैलने फैलाने का, आप आदरणीय गृह मंत्री चाह रहे हैं कि मेडिकल की पढ़ाई सब हिंदुस्तानी भाषाओं में होवे। आपने अभी कहा कि सच में जो माँ की भाषा होती है वो ओरिजिनल हमारी भाषा में हम सबसे ज्यादा अपने को व्यक्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो आपने कहा ये शर्म आनी चाहिए यदि हमको अंग्रेजी पर निर्भर करना पड़े। हाँ ठीक है, वो भी एक भाषा है, लेकिन हमको निर्भर न करना पड़े, हम उसके नीचे न आ जाएं, उसके आदि न हो जाएं। हमको अपने हिंदुस्तान की 14, 16, 17 भाषाओं पे पूरा गर्व हो, और मेडिकल जैसी कड़ी पढ़ाई हमारे सब भाषाओं में होवे। तो आपको जान के अनोखी खुशी होगी कि जो प्रसिद्ध हॉस्पिटल हैं अमेरिका में, वहाँ पर नेचुरोपैथी, योग और ध्यान, सबसे मशहूर हॉस्पिटल मेयो कॉलेज है शिकागो के पास, तो वहाँ पे हिंदुस्तानी डॉक्टर ध्यान की क्लासेस पेशेंट्स के लिए लगाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि हर पेशेंट उसके लिए $1,000 फीस देता है एक ध्यान की क्लास के लिए। यहां तक हमारा प्रभाव फैलता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जैसे रशिया को कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये उनकी शैली थी कि कोई विदेश वाला कैसे समझे, लेकिन हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है कि कभी भी युद्ध का समय नहीं है, नॉट कि ये समय नहीं है, कभी भी हिंदुस्तान ने आक्रमण का समर्थन नहीं किया। लेकिन जब आक्रमण हुआ तो कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि तुम उसका जवाब दो, लेकिन हमने, हिंदुस्तान ने या कृष्ण ने आक्रमण नहीं सिखाया, इसलिए हमारी मिनिस्ट्री इंग्लैंड में, उसको वॉर मिनिस्ट्री कहते थे, हमने उसको डिफेंस मिनिस्ट्री कहा। और मेरे को ऐसा विचार आ रहा था कि गृह मंत्री, ये पीस मिनिस्ट्री का नाम आप विचार करें, क्योंकि घर घर में शांति इससे फैलेगी और फिर सारे विश्व में
पीस होगा। देर इज नो पाथ टू पीस, पीस इज द पाथ। ऐसा नहीं है विदाउट वॉर नो पीस, पीस इज द पाथ। ये महाभारत का समय नहीं है, अखंड भारत इतिहास हो गया है। ये जो समय है महाअखंड भारत का, ये महाशब्द बहुत अनोखा है। इंग्लैंड 400 साल पहले संकल्प किया कि हम विश्व में छा जाएंगे, तो उन्होंने गूगल से मैंने निकाला 400 साल पहले ये ग्रेट शब्द जोड़ा। ग्रेट यानी एक छोटा सा देश जिसका साइज बिहार जितना है, हमारे से 7% इंडिया से उनकी जमीन है। इतने छोटे से देश ने सिर्फ संकल्प के आधार पर विश्व में 400 साल वो छा गए। पिछली जो शताब्दी गई तब तक इंग्लैंड का प्रभाव था, ये जो शताब्दी है जिसके सिर्फ 20 साल गुजरे हैं, आप देखते जा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की शताब्दी होगी, क्योंकि हमने हिंसा के माध्यम से विश्व नहीं जीता, हमने अहिंसा सिखाकर उसका उसको प्रस्तुत करके सारे विश्व को जीतने का संकल्प किया है। हमारी संस्कृति से, हमारे अध्यात्म से, हमारे धर्म से, हमारे कर्तव्य कर्म से, जिस पर मोदी जी ने एक नया विस्तार किया है, इंडिया गेट वाली सड़क को राजपथ से बदल देने का। ये अहिंसा का सिद्धांत, सोचो कि गांधी जी ने, महावीर और बुद्ध, 3000 साल से ये चलता आ रहा है। कोई शास्त्र नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का बेसिक नेचर, बच्चों 3 बरस के बच्चों में आप देखोगे एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, धक्का दे के गिरा देंगे। तो मैं देखता रहता हूं कि हिंसा एक बेसिक नेचर ह्यूमन बींग का, एवोल्यूशन के पहले, उसके डेवलपमेंट ग्रोथ के पहले हिंसा होता है। तो भले पतंजलि खोलो, भले ब्रह्म सूत्र खोलो, भले आप योग वशिष्ठ देखो, हर एक शास्त्र अहिंसा को कहता आ रहा है। जो लड़ाई करके जीत जाता है, जो आक्रमण या सेल्फ डिफेंस में जीतता है, उसको आप वीर कहेंगे। लेकिन जो बिना लड़ाई के शांति प्रस्ताव से शांति फैला देता है, अहिंसा फैला देता है, उसको मोहित जी आप क्या कहेंगे? महावीर कहेंगे। तो वीर और महावीर का ये भेद देखें कि हमारे महावीर अब प्रकट हो रहे हैं। हमारे राम लखन की जोड़ी में प्रधानमंत्री और आदरणीय अमित शाह की ये अनोखी जोड़ी में ये जो समय आ गया है, ये नव भारत का अभी है। नव भारत का ये टाइम्स नाउ है। भारतवासियों का देश की प्रगति में समभाव है। जिस शब्द आपने कई बार गुजरात के इलेक्शंस में कहा है, जब हम मिलजुल कर कर्तव्य कर्म करेंगे तो उसको समबुद्धि कहते हैं। और जैसे प्यार की नजर से मैं आप सबको देख रहा हूं, इसको समदृष्टि कहते हैं। और जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो हर समस्या का हल हो जाता है, समाधान हो जाता है। और इसी को समाधि कहते हैं, जो हमारे कल्चर और अध्यात्म का फाउंडेशन है, अधिष्ठान है। गुजरात के इलेक्शन में आपने अनोखे अनुप्रास से कहा कि हम मजबूत सरकार देकर एक
सुरक्षित, सुविकसित, संस्कृत और शिक्षित गुजरात बनाना चाहते हैं, जो हम सालों से कर रहे हैं। इस अनुप्रास ने मुझे प्रेरणा दी कि ये आपकी संस्कृति है, आपके संस्कार हैं, जिससे सारे 28 प्रांत में सुशोभित आप और प्रधानमंत्री होंगे। ये आपके बेसिक संस्कार हैं पीस फैलाने के। आखिर में कहना चाहूंगा कि जब हम आत्मनिर्भर होंगे, निर्दोष, निर्मल, निरंकार, निराकार, निर्भय भाव से देश के निर्माण में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा देश अहिंसक होगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता बढ़ेगी और हम दुनिया भर की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जय महा अखंड भारत।